काले माता पिता की गोरी संतान का होना किस नियम में होता है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने, गाल्टन ने, डार्विन ने, मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजमैन ने। बालक में उत्पन्न प्रथम संवेग है भय, क्रोध, उत्तेजना, सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना। बालक में सबसे पहले उत्तेजना उत्पन्न होती है। बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? परिवार को, समाज को, विद्यालय को, पड़ोस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार को। बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है वंशानुक्रम, पर्यावरण, जिसको हम वातावरण भी कहते हैं, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, सर्वाधिक के लिए वातावरण हो जाएगा आपका। बालक के दूध के दांत कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बालक में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो आपके कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं 206, 216, 270, 300। तो इसमें आपकी 270 हो जाएंगी। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879, 1590। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर 1930 में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 5 माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 माह में। बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है।